कनाडा नाम एक तारीखी अहमियत रखता है जिसकी जुड़े मुल्क के मकामी वर्से में है। एक मकामी अमरीकी लफ्ज़ से माखूज, इसका तर्जमा बड़ा गांव या तस्कियाब होता है। ये दिलचस्प हकीकत मुल्क के नाम की मकामी असलियत पर रोशनी डालती है, जो कनाडा की तारीख और उसके मकामी लोगों के दरमियान गहरे ताल्लुक को जाहिर करती है। यूरोपीय आबादकारों की आमद से बहुत पहले इस सरजमीन को, जो अब कनाडा के नाम से जाना जाता है, में मुख्तलिफ मकामी कम्युनिटीज आबाद थीं, जिनकी अपनी सकाफतें, जुबानें और तर्ज जिंदगी थी। इन मुतनवे अकवाम का जमीन पर गहरा असर था और उसने अपनी शनाख्त पर अमिट नकूश छोड़े थे। कनाडा का नाम इरकुआन जुबान, खास तौर पर बोली में पाया जा सकता है। इस्तेलाह कुनेटाग का इस्तेमाल मकामी बरादरियों ने बस्तियों, देहातों और बड़ी फिरका वाराना जगहों के लिए किया था। फ्रांसीसी मुतलाशी, जो इस खत्ते में मकामी लोगों से राबता करने वाले पहले यूरोपियों में से थे, ने इस इस्तेला को अपनाया और आहिस्ता आहिस्ता इसे कनाडा में तब्दील कर दिया। वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे यूरोपी नौबादियात में तोसी हुई, कनाडा का नाम बड़े इलाकों को घेरने लगा। इब्तदाई तौर पर न्यू फ्रांस की फ्रांसीसी कॉलोनी का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मौजूदा क्यूबिक और ओंटारियो के कुछ हिस्से शामिल थे। ये इस्तेला आहिस्ता आहिस्ता वसीतर इलाकों को घेरने के लिए आई, आखिरकार पूरे मुल्क का नाम बन गया। हजारों सालों से जमीन पर आबाद रहने वाले मकामी लोगों की तारीखी और सकाफती अहमियत को तस्लीम करने के लिए कनाडा नाम की मकामी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। ये इन कम्युनिटीज की पायदार मौजूदगी और शराकत के साथ साथ उनके हुकूक और सकाफतों को पहचानने और उनका एहतराम करने की जारी अहमियत की याद दहानी का काम करता है। आज कनाडा एक मुतनवे और कसीर सकाफती कौम के तौर पर खड़ा है, जिसकी तश्कील मकामी लोगों की तारीखों और शराकतों के साथ साथ दुनिया भर से इमिग्रेशन की मुख्तलिफ लहरों से होती है। कनाडा नाम इतिहाद की अलामत के तौर पर काम कर रहा है, जो एक वसी मुल्क की नुमाइंदगी करता है, जिसमें सकाफतों, जुबानों और रवायात की एक भरपूर टेपिस्ट्री है।